बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि सास बहू के रिश्ते को दुश्मनी वाले रिश्ते की तरह दिखाया जाता है। जहां सास बनी एक्ट्रेस बहू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो वही बहू बनी एक्ट्रेस भी सास के हर एक वार का जबरदस्त जवाब देती है। लेकिन दोस्तों, भले ही फिल्मों में वो सभी एक्ट्रेस सास बहू के रिश्ते को नेगेटिव तरह से निभाए, पर असल लाइफ में उन एक्ट्रेस का अपनी सास और बहू के साथ बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। इंडस्ट्री में कई सास बहू की जोड़ियां अच्छे सास बहू के रिश्ते की मिसाल है, जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी। तो इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की पांच ऐसी ही प्यारी सी सास और बहू की जोड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं। फिर आइए जानते हैं कि कौन सी है वो लविंग सास बहू की जोड़ियां। परवान करीना कपूर और शर्मिला टैगोर। वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर रिश्ते में सास बहू लगती हैं। अब करीना कपूर की शादी शर्मिला के बेटे सैफ अली खान से जो हुई है। अगर बात करें इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में, तो आपको बता दें कि इन दोनों सास बहू के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, शर्मिला को तो करीना इतनी पसंद है कि उन्होंने करीना को वेडिंग में अपना वेडिंग शरारा और जेवर भी गिफ्ट कर दिए थे। अगर सास बनकर शर्मिला करीना से इतना प्यार करती है, तो वही करीना भी बहू बनकर अपनी सास से बेहद प्यार करती है और अपने पति सैफ की तरह ही शर्मिला को अम्मा कहती हैं। इसके साथ ही करीना पटौदी खानदान की बहू होने के सारे फर्ज अदा करती हैं। नंबर 2, सोनाली बेंद्रे और मधु बहल। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने गोल्डी बहल से शादी की है, जिसके चलते आज गोल्डी की मम्मी मधु बहल और इनके बीच सास बहू का रिश्ता बन गया। बात करें सास बहू के रिश्ते के बारे में, तो आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे और इनकी सास मधु बहल के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता है। इसी रिश्ते के चलते जब सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी करने के बाद अपने फिल्मी करियर को गुड बाय कहा, तब इनकी सास मधु ने इनका पूरा सपोर्ट किया और फिल्म से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में इनकी मदद की। अपनी सास से मां की तरह प्यार पाकर सोनाली भी अपनी सास को एक बेटी की तरह ही प्यार करती हैं और अक्सर इनके साथ कई बार क्वालिटी टाइम भी बिताती हैं। नंबर 3, काजोल और वीना देवकर। अजय देवगन ने काजोल और वीना देवगन को सास बहू बनाया है काजोल के साथ शादी करके। पर बता दें कि सास बहू की जोड़ी इंडस्ट्री की बेस्ट सास बहू की जोड़ी कहलाती है। इन दोनों में बहुत ही प्यार देखने को मिलता है और उसी प्यार के चलते जब भी काजोल किसी काम को लेकर बिजी चल रही होती है, तो उनके सास वीना देवगन उनके बच्चों की देखभाल करती है। वही सास से इतना प्यार मिलने के बाद काजोल भी एक अच्छी बहू का फर्ज निभाती हुई अपनी सास की खूब सेवा करती है और अक्सर उन्हें प्यारे प्यारे गिफ्ट देकर अपना प्यार जाहिर करती हैं। नंबर 4, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन को लेकर सोशल मीडिया में अक्सर सुनने को मिलता है कि दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐश्वर्या और जया के बीच एक अनोखा रिश्ता है। ऐसे में ये कह नहीं सकते कि ऐश्वर्या और जया में माँ बेटी जैसा रिश्ता है, मगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करती हैं। जहाँ जया किसी भी इवेंट में बिना ऐश्वर्या के नहीं जाती, वहीं ऐश्वर्या भी जया की हर बात को सिर झुका कर मानती है। जया ने तो एक इवेंट में ये तक कह दिया कि आराध्या बहुत लकी है, क्योंकि उसे नर्स के रूप में विश्व सुंदरी मिली है। नंबर 5, योगिता बाली और जाह्नवी कपूर। बॉलीवुड की बेस्ट अपकमिंग सास बहू की जोड़ी होने वाली है योगिता बाली और जाह्नवी कपूर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो आपको बता दें कि योगिता बाली के छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती और जाह्नवी कपूर के बीच लव रिलेशन चल रहा है। हाल ही में खबर आई है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जब इस बात का पता योगिता बाली को चला, तो उन्होंने जाह्नवी कपूर को तुरंत ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। वही जाह्नवी भी योगिता को अपनी सास मान चुकी है। दोनों के बीच अभी से इतना प्यार दिख रहा है, तो बिना कोई शक हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की सास बहू की जोड़ी अब तक की बेस्ट सास बहू की जोड़ी बनेगी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी सास बहू की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।